मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको फैक्टर के आगे के एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ। अभी मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में a प्लस बी का होल स्क्वायर और पेयर बना के फैक्टर को कैसे करते हो समझाया था। अब देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज के समय a स्क्वायर प्लस 25a प्लस 24 एक्स स्क्वायर माइनस 29x प्लस 204 पी स्क्वायर माइनस 5p और माइनस 176। देखिए ये सब ऐसे हैं कि इसमें दो दो के पेयर नहीं बनते जो हम पेयर बना के सम को सॉल्व कर लें। तो ये जो इक्वेशन है कुछ इस टाइप में लिखी होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। कहने का मतलब होता है पहले x पे दो पावर लगी होती है, यहां x की जगह पे abc भी हो सकता है, फिर x पे कोई पावर नहीं होती, फिर लास्ट में एक्स का टर्म गायब होता है। तो जब कभी भी इस टाइप का कुछ सम आपको दिख जाए तो आप समझ लीजिएगा कि ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व होगा, मध्य के पद को तोड़ दिया जाए उस विधि से ये सॉल्व होगा। देखिए हम सम का पहचानेंगे कैसे। देखिए इस सवाल में सबसे पहले ए के ऊपर दो घात लगी है, फिर केवल a है, इसके बाद a वाला पद हमारा गायब है। इससे हमें पता चलता है कि ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ये इसको फॉलो कर रही है, इसका मतलब ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, x स्क्वायर का गुणांक और जिसके बगल में x नहीं लिखा होता है उस संख्याओं का आपस में गुणा कर लेते हैं। जैसे यहां पे x स्क्वायर का गुणांक, यहां पे x तो है नहीं, इसका मतलब a स्क्वायर का गुणांक, तो यहां पे हमारा a स्क्वायर का गुणांक केवल और केवल 1। और ऐसी संख्या जिसके बगल में x या abc नहीं लिखा हो तो वो है 24। तो इनका जब आपस में गुणा करते हैं तो केवल और केवल 24 आता है। अब इस 24 का हमको एलसीएम लेना होता है, तो अभी तक के लिए आप केवल ये 24 लाना सीख गए। तो देखिए क्या करिए, इसको ऐसे ही नोट डाउन कर लीजिए, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है इसलिए बीच वाले टर्म को मत नोट डाउन करिए, उसकी जगह ब्रैकेट बना दीजिए और बाकी लास्ट वाले टर्म को भी नोट डाउन कर दिए। ठीक है, अब देखिए ये जो 24 आया यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक और ऐसी संख्या जिसके बगल में एक्स नहीं लिखा था, तो वो एक ये संख्या थी और एक ये संख्या थी, इनका आपस में गुणा किया तो मेरा 24 आया। अब 24 का यहां पे हमको एलसीएम निकालना होता है। देखिए 24 का एलसीएम निकालते हैं, 2 6 2 6 12, 2 3 6 एंड लास्ट में 3 होगा। इसमें एक ट्रिक अप्लाई होती है कि मल्टीप्लाई तो आप कितनी बार भी कर सकते हैं पर एडिशन या सब्ट्रैक्शन केवल और केवल एक बार कर सकते। मल्टीप्लाई 2 × 2 × 2 कितनी बार भी कर लीजिए पर एडिशन या सब्ट्रैक्शन केवल और केवल एक बार, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी इस वे में करते हैं जिससे ये जो 25 है वो इस जगह पे आ जाए। अब देखिए कैसे करेंगे हम, इसमें हमको 25 लाना है, तो देखिए 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24 और 24 में जब ये वाला 1, क्योंकि 1 × 1 = 1 होता है, ये वाला 1 जब ऐड कर देंगे तो 25 आ जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 24 + 1। ठीक है, अब देखिए a स्क्वायर को ऐसे भी नोट डाउन किए, ब्रैकेट ओपन करिए, 24a प्लस a का 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो a 1 a ही आ जाएगा प्लस 24। अब देखिए 1 2 3 4 डिजिट्स हो गए, इसको दो दो में डिवाइड कर लीजिए, तो हमने इनको इनको एक साथ लिया, इनको और इनको एक साथ लिया, यहां से कॉमन क्या हमने लास्ट वीडियो में बताया था, कॉमन वो होता है जो दोनों में अवेलेबल हो, यहाँ ए स्क्वायर है यहाँ ए है, इसका मतलब ए एक ऐसी डिजिट है जो दोनों में अवेलेबल है। अब हमारा इस पे बाहर क्या निकल के आएगा वो भी मैंने बताया था, जो संख्या छोटी होती है वो ही बाहर निकलती है, तो छोटी संख्या हमारी ए है, ए हमने बाहर कर दिया तो यहाँ ए स्क्वायर था तो यहाँ केवल और केवल ए बचा, अंदर हमारा 24, इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा था इसलिए मैंने केवल 1 कॉमन ले लिया, तो ए प्लस 24। ये देखिए
जो चीज दो बार लिखी है उसे एक बार लिख देते हैं और बची हुई संख्या को आपस में अगर प्लस में है तो प्लस में लिख दीजिए, माइनस में है तो माइनस में लिख दीजिए। देखिए a प्लस 24 मैंने ये लिखा और अगले डिजिट में बची हुई संख्या क्या थी, एक ये और एक ये वन, इनको एक साथ किया, ये मेरा आंसर हो गया। इस सम की सबसे बड़ी निशानी होती है कि ब्रैकेट के अंदर वाली संख्याएं सेम होगी, अगर सेम है तो मेरा आंसर बिल्कुल सही है। अब सेकेंड सम में भी सेम चीज को ही हम लोगों को फॉलो करना है। देखिए इक्वेशन हमारी है एक्स स्क्वायर माइनस 29x प्लस 204, वही तरीका एक्स स्क्वायर और ऐसी संख्या जिसके बगल में x ना लिखा हो उसका आपस में गुणा करिए। तो एक्स स्क्वायर के बगल में तो कुछ नहीं है क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक यहां पे क्या है 1 और 204 ऐसी संख्या जिसके बगल में x नहीं लिखा है, तो 204 इंटू 1 तो हमारा कितना जाएगा 204 इंटू 1 इज इक्वल टू 204। अब हमको 204 का एलसीएम निकालना होगा, मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे हैं इसलिए मिडिल टर्म को ही हम नहीं लिखेंगे, बाकी सारे डिजिट को हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। ये देखिए हमने केवल मिडिल टर्म में डिजिट को नहीं लिखा, बाकी सबको एज इट इज नोट डाउन कर लिया। आप देखिए 204 का एलसीएम निकाल लीजिए, 102 आया, फिर 2 से डिवाइड कर लिए, 5 10 2 1 2 आप 3 से करिए, 3 1 3 3 7 21, अब ये मेरा 17 17 आ गया। अब देखिए हमको यहाँ 29 लाना है, देखिए 17 हमारे पास डिजिट है 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 7। अब देखिए 17 लाना है तो एक काम करें, 2 2 4 and 4 3 12, हमने बताया था कि मल्टीप्लाई तो कितनी बार भी कर सकते हैं पर एडिशन है सब्ट्रैक्शन एक बार कर सकते हैं, तो ये मेरा 17 बचा है, तो 12 plus 17 हमारा कितना आ जाएगा 29, तो बस यहाँ पे लिखते हैं 12 plus 17। अब जब मैंने 12 plus 17 लिख दिया तो x स्क्वायर ब्रैकेट तुरंत मत खोलिए, पहले x से मल्टीप्लाई कर लीजिए 17x plus 204, अब ब्रैकेट ओपन करिए, माइनस का 12x माइनस का 17x और प्लस का 204। अब देखिए यहां से कॉमन मेरा x आएगा, फिर देखिए 4 डिजिट मिल गई तो दो को अलग कर लीजिए, x कॉमन आया x माइनस 12 बचा, यहां से 17 कॉमन लीजिए x माइनस 17 176 का एलसीएम निकाल लीजिए, वही तरीका है हमारा सब, 2 से करिए 2 8 16 2 8 16 2 44, फिर 2 से करिए 22, फिर 2 से करिए 11 और लास्ट में 11। अब हमने वही बताया था मल्टीप्लाई तो आप खुद कर सकते हैं पर एडिशन या सब्ट्रैक्शन वन टाइम, 2 2 4 2 8 2 16 16 आ गया, देखिए डिजिट मेरी ये थी इंटू 11, देखिए मैंने क्या किया 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 में से 11 सब्ट्रैक्ट किया आ गया मेरा 5, क्योंकि हमने बताया था मल्टीप्लाई आप कितनी बार भी कर सकते हैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन केवल और केवल एक बार, तो ये मेरा आ गया 16 माइनस 11। अब कुछ नहीं करना है इसमें भी, पहले p का अंदर मल्टीप्लाई के लिए 16p माइनस 11p माइनस 176, अब माइनस का अंदर गुणा मल्टीप्लाई कर दीजिए, पी स्क्वायर माइनस 16p प्लस 11p माइनस 176।
अब देखिए इन दोनों से पी कॉमन ले लीजिए तो पी माइनस 16 बचा, यहां से प्लस का 11 कॉमन ले लीजिए तो यहां भी पी माइनस 16 बचेगा। अब देखिए पी माइनस 16 यहां पे है, पी माइनस 16 यहां पे, इसका मतलब ये डिजिट दो बार लिखी है, तो दो डिजिट दो बार लिखी होती है उसको हम केवल और केवल एक बार लिखते हैं और जो बची डिजिट है उनको हम एक साथ ऐड करके लिख देते हैं, ये हमारा आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को सब चीज समझ में आई होगी, कैसे हम डिजिट को स्प्लिट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे ऐड करते हैं और सम को सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। आप लोग इन तीन सम्स की प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करिएगा और हमारे प्रोसेस को फॉलो करिएगा, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।